हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लॉ प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस लिखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चंस है वो एक तरीके से हमारा कंक्लूजन भी है। ये कंक्लूजन को हम याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारी जगह पर इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ऑफ एन इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन। ओके, ये हमारे पास, ये हमारा है ओमेगा नॉट। ओके, ओमेगा नॉट एन, ये हमारा है ओमेगा नॉट, इसको बोलते हैं ओमेगा नॉट। ये हमारा है एन, ये यू एन। अब इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो अब इसके लिए अगर साइन इसके, इसको हम साइन ओमेगा नॉट एन, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर ब्रेक करें, किस तरीके से ब्रेक होगा, वन बाई टू जे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन माइनस में ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन। इस फॉर्म में साइन को हम ब्रेक कर सकते हैं। कॉस के लिए क्या करते हैं, जे हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ वन बाई टू रखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे साइन के लिए। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे यू एन भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन है। ओके, तो अब इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे, वन बाई टू जे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन। ओके, क्योंकि हमने यू ऑफ एन यहाँ पे इस सिग्नल मल्टीप्लाई किया है, तो यू ऑफ एन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन बाई टू जे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन। ओके, तो अब ये हमारे पास एक सिग्नल ये बन गया है, एक सिग्नल ये बन गया है। तो अब हमें फाइंड करना है इसकी जेड ट्रांसफॉर्म, इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म अगर हम फाइंड करें, वन बाई टू जे, ये तो एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन। इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें बताना है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा ये वाला टर्म एन को छोड़ के, ये वाला जो हमारा टर्म है ए टू द पावर एन यू ऑफ एन के फॉर्म में है। इसको अगर हम पूरे को ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट को ए कह दें, ए टू द पावर एन यू ऑफ एन के फॉर्म में है, तो इसके लिए क्या होता है, वन बाई टू जे तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ही रखेंगे। उसके बाद ए टू द पावर एन यू एन के लिए क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स होता है, ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया जेड इनवर्स। आर ओ सी क्या होगा, मॉड ऑफ जेड, ये हमारा क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है, तो इसका मतलब आर ओ सी ग्रेटर होगा, किससे, ए से, ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट। ओके, ये हो गया। अब इसी को मॉड ऑफ जेड ग्रेटर है, एक्सपोनेंशियल में इसका मॉड्यूलस क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है वन। इसी तरीके से हम इसको अगर लिखें, माइनस में वन बाई टू जे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म ये भी इसी की तरीके से है, बस यहाँ पे क्या है, माइनस है, मीन्स ए टू द पावर माइनस एन के फॉर्म में है ये, तो इसका भी क्या होगा, माइनस वन बाई, यहाँ ये कॉन्स्टेंट है हमारा, माइनस वन बाई
2j a टू द पावर n u ऑफ n के फॉर्म में है, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू लिखेंगे, a क्या है e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट, ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद z इनवर्स, ओके ये हो गया। अब यहाँ पे मॉड ऑफ z कितना होगा, ग्रेटर होगा क्योंकि ये राइट साइड सिग्नल है, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन वन होगी क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में है, इसका मॉडुलस क्या आता है, वन आता है, ओके ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अल्जेब्रिक सम कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से लगा लिया है, तो अल्जेब्रिक सम करेंगे तभी ये हमारी वैल्यूज आएगी। अब यहाँ पे अल्जेब्रिक सम इसका करेंगे, 1 बाई टू जे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन माइनस में ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये वाली वैल्यूज का जेड ट्रांसफॉर्म और ये वाली वैल्यूज का जेड ट्रांसफॉर्म, इसका जेड ट्रांसफॉर्म ये है, इसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म ये वाला है, तो इन दोनों को लिख देंगे 1 बाई टू जे, ओके 1 बाई टू जे अगर दोनों जगह कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट, ये वाली वैल्यूज हो जाएगी, साथ में जेड इनवर्स भी है, जेड इनवर्स माइनस करेंगे, ओके फिर ये वाली वैल्यूज लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, ओके तो इसकी वैल्यूज हमने लिखी जेड ट्रांसफॉर्म की, इसकी वैल्यूज ये वाला जेड ट्रांसफॉर्म, इसको हमने लिख लिया और इसको हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, ओके इन दोनों को एलसीएम लेने के बाद में ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जेड इनवर्स साइन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट प्लस जेड टू द पावर माइनस टू, ओके इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी। कैसे आएगी, जब यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये वाला इस तरफ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये इस तरफ यहाँ पे जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, उसके बाद e टू द पावर प्लस जे ओमेगा नॉट e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट इस टाइप का बनेगा, तो ये इस टाइप का जब बन रहा है तो इसको हम क्या साइन ओमेगा नॉट n के फॉर्म में, साइन ओमेगा नॉट, अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, तो साइन ओमेगा नॉट क्या बनेगा 1 बाई टू जे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, तो जो वो वाली वैल्यूज बनेगी उसको साइन में लिखेंगे, और जो यहाँ पे जे जहाँ पे नहीं होगा वो नीचे वाला आएगा, यहाँ पे अरेंज करके कॉस में बना के लिख देंगे, ओके तो फाइनली इसको अब याद रखेंगे कि जो हमारा साइन ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन, इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म आता है वो आएगा जेड इनवर्स साइन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कॉस ओमेगा नॉट प्लस जेड टू द पावर माइनस टू, क्लियर। तो ये डेरिवेशन हमें बेसिकली याद भी नहीं रखना, सिर्फ इसका कंक्लूजन हमें याद रखना है, ओके और बाकी इसमें करने को कुछ नहीं है, नॉर्मली साइन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक किया, उसके बाद जो स्टैंडर्ड तरीके से हम जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं वो हम डायरेक्टली इसको कर लेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।